हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही टेस्टी एंड अमेजिंग सी हाई प्रोटीन रेसिपी जिसका नाम है वाइट चिकपी सैलड। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमें इसे रेडी करने के लिए यूज़ होंगे। हमने लेना है कुछ क्रश्ड ब्लैक पेपर्स, उसके बाद रोस्टेड क्यूमिन सीड, ये कुछ मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी चॉप की हुई हैं, उसके बाद ये है पिंक सॉल्ट, उसके बाद हमने लेना है रेड चिली पाउडर, ये वाइट चिकपी है जो ऑलरेडी बॉयल्ड है, उसके बाद मैंने लिए है ये मेरी टमाटो चटनी, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और एक हाफ नींबू का रस हमने लेना है। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स किससे चॉप किए हैं, तो ये एक चॉपर है जो मुझे बहुत हेल्प करता है मेरे डेली वेजिटेबल्स को चॉप करने में, जो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलरली अपने सारे मील्स में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे हाफ कप ऑफ बॉयल्ड चिकपी है, वाइट चिकपी, हमने इसको एक बोल में डाल देना है। उसके बाद हम इसको एक अच्छे से स्टर देंगे, मिक्स करेंगे, फिर हमने डालनी है ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें यूज़ की है। इसमें कैप्सिकम है, कैरेट है, क्यूकम्बर है, देन टमेटो है, अनियन है, थोड़ी सी ग्रीन चिली भी है, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मेरी डॉटर भी खाती है ये। उसके बाद इसमें ब्रोकली है, अगर आप चाहें तो बीन्स भी डाल सकते हैं, अगर आप रॉ बीन्स खा सकते हैं तो। उसके बाद आपको जो भी वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल हो आप सारी ही डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल दी हैं और इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये पिंक सॉल्ट। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मैं अपने सारे वीडियोज़ में पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, पिंक हिमालयन सॉल्ट, बिकॉज अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप नॉर्मल आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है वो ना यूज़ करके पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करिए, आपको रिज़ल्ट खुद ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा। अब मैं डाल रही हूँ ये ब्लैक क्रस्ड ब्लैक पेपर, ठीक है, थोड़ा सा ही डालना है। देन मैं डाल रही हूँ ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर जो कि मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके और उसको पाउडर बना के एक बॉक्स में रखा हुआ है क्योंकि डेली ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें ब्लैक क्यूमिन पाउडर। देन मैं डाल रही हूँ अपनी ये अमेजिंग सी टेस्टी टमेटो चटनी जो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही इन्हेंस करने वाली है। अगर आपने ये डाल दिया है तो आपको लाइक कोई और चीज़ जैसे सॉस वगैरह कई लोग डालते हैं इसमें, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं फील होगी और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आ जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ लेमन जूस, फ्रेश जूस है ये, इसको इसमें मिक्स कर देना है। आपको पता ही है लेमन इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, विटामिन सी रिच होता है। तो अब हम इसे देंगे एक जेंटल मिक्स, आपने इसको अच्छे से स्टर करना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें इतनी हेल्दी मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, प्लस ये वाइट चिकपी है जो कि बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन होता है, ब्रोकली है दैट इज़ अगेन वेरी रिच इन प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपको बहुत देर तक भूख भी नहीं लगने वाली है, और आप देख सकते हैं आपने कार्ब्स नहीं खा रहे हैं ज़्यादा, बहुत ही कम कार्ब्स होंगे और इसकी कैलोरी भी बहुत कम है। तो लास्ट में मैंने इसे गार्निश कर दिया है कुछ फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर से, और इसे और ज़्यादा हाई इन प्रोटीन बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड फ्रेश पनीर, जो हमारा कॉटेज चीज़ होता है वो मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसे डालना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये इसके साथ और ज़्यादा हाई इन प्रोटीन हो जाता है और काफ़ी देर तक मुझे ये फुल फील कराता है। तो आप भी चाहें तो ये डाल सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल, ये ग्रेटेड या चॉप्ड फॉर्म में डाल सकते हैं कॉटेज चीज़। तो अब मैंने इसे कर दिया है एक बार अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहें तो ये एक हेल्दी टेस्टी अमेजिंग सी रेसिपी ज़रूर बना के देखें। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और आप मेरे डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि मैं ये वाइट चिकपी सैलड बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, अक्सर बनाती हूँ और डिनर में कई बार ये खाती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो टिल देन, बाय बाय।